अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी बेसिकली ये है कि आप इमेजिनेशंस को यूज़ करके कनेक्शंस बनाओ और साथ पैटर्न्स को ढूंढो। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करते हो, आप अपना काम करते हो, लेकिन मैजिक जो होता है वो हो जाता है। हम कहते हैं कि यार कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आप काम करते रहे और आप प्रिपेयर करते रहे, तो उसकी वजह से कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और जो भी जाहिर है जो देखेगा या सुनेगा, जो भी आपके कंटेंट को व्यू करेगा वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हैरी पॉटर की राइटर जो हैं, जिनका नाम है जेके रोलिंग, वो जब हैरी पॉटर नावल लिख रही थी तो उनको ये आइडिया एक ट्रेन पे बैठे हुए आया था। वो मैनचेस्टर से लंदन शायद जा रही थी और तब उनको आइडिया आया हैरी पॉटर का। इसी तरह बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनको आइडियाज़ आते हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं और सडनली उनको कोई आइडिया आ जाता है। इवन मैंने कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स को स्टडी भी किया, वो ये भी कहते हैं कि हमें नींद के टाइम पर भी कई बार ट्यून आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम फ़ोन साइड पर रखते हैं और हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट जो भी आइडिया आता है। तो ये होता है, इवन राइटर्स के साथ भी होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, कोई भी क्रिएटिव बंदा उसके साथ ये होता है। और क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ नया क्रिएट कर लिया, यू नो, क्रिएट एज एन इन्वेंट कर लिया कुछ, वो पहले से होता है लेकिन आप उसको अलग तरीके से करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो जिनका थीम होता है लव, तो लव सॉन्ग्स तो आज के दिन भी बनते हैं, पहले 60s में भी बनते थे, मतलब बनते ही आ रहे हैं कितने सालों से, लेकिन उनमें अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो किसी ने किसी अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया लव के इमोशन को, किसी ने किसी और तरीके से किया। इसी तरह मूवीज़ में भी होता है। तो इवन अगर आप एक जॉनर को भी आप रीइन्वेंट कर रहे हो, एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, तो वो भी क्रिएटिविटी है। आई थिंक क्रिएटिविटी जो है उसके लिए आपको डिफरेंट डायमेंशंस में भी सोचना होता है, जो कि शायद आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से लिंक ना हो। कई बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो भी क्रिएटिव मास्टरपीसेस क्रिएट होते हैं उनको कई बार उनका ड्यू नहीं मिलता। अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं, इवन अगर जेके रोलिंग की एग्जांपल ले लें, तो हैरी पॉटर जब उन्होंने पब्लिश की थी फर्स्ट बुक, तो 12 पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट किया था, 12 पब्लिशर्स ने, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शायद 13 पब्लिशर ने फिर खैर बुक को पब्लिश किया था और फिर उनको सक्सेस मिली थी। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे पब्लिशर्स ने कहा था कि चिल्ड्रन बुक्स जो होती हैं उनका ट्रेंड इतना नहीं है, वो इतनी नहीं चलती, तो लेकिन जेके रोलिंग ने हार नहीं मानी। तो कई बार क्रिएटिविटी में ऐसा भी होता है, और ये जो है बड़े दुख की बात थी, क्योंकि वो जेके रोलिंग इस नॉवल पे कोई 6 या 7 साल से काम कर रही थी। तो जब एक राइटर, मतलब हर चीज़ आप स्किप करके, एक तरह से हर चीज़ सेक्रीफाइस करके आप राइटिंग में सारा दिमाग लगाते हो और फिर भी कोई बुक पब्लिश ना करे, आई डोंट नो कि उस टाइम पे उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला था, बट फिर वही बात है, जीनियसेस फिर ऐसे ही होते हैं, उनको उनमें हिम्मत होती है, और उनमें अगर टैलेंट होती है ना तो हिम्मत भी होती है फिर रिजेक्शंस को फेस करने की। अगर क्रिएटिविटी के प्रोसेस को मैं आपको और एक्सप्लेन करूं, तो एक्चुअली जो क्रिएटिव पीस एंड में निकल के आता है ना, वो बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन उस सिंप्लिसिटी को ढूंढना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब वो अब ऐसा है कि आपके पास अननेसेसरी पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन है या कोई आर्ट पीसेज है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग है, तो बहुत आपके सामने एक कैनवस पड़ा है, अब आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, लेकिन वो सिंप्लिसिटी तक आप पहुंच नहीं रहे होते, और जब पहुंच जाते हो तो मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती एक आर्टिस्ट के लिए। तो ये क्रिएटिविटी में होता है, काफ़ी हद तक होता है ये। वो क्रिएटिव जो भी है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई राइटिंग हो या कुछ भी है, वो आपके अंदर बरीड होता है, आपके अंदर दफन होता है कहीं ना कहीं अंदर, आपको उसको ढूंढ के बाहर निकालना होता है। वो आपके इमोशंस का भी डिपिक्शन हो सकता है,
आपके आइडियाज़ का भी डिपिक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ क्रिएटिविटी में है। क्रिएटिविटी जो है ना वो बेसिकली राइट मिक्सचर होता है कुछ चीज़ों का। अब ये भी नहीं है कि सारी चीज़ों का, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंटिंग है तो क्या उसमें सारे कलर्स यूज़ होते हैं, क्या उसमें सारे जो भी आप कलर्स देखते हो दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, हर तरह के कलर्स हैं, लाइट भी हैं, डार्क भी हैं, बीच वाले कलर्स भी हैं, सारे यूज़ नहीं होते। हो सकता है उन 100 में से कोई 2 या 3-4 कलर्स यूज़ होते हो और उससे कुछ क्रिएटिव हो सकता हो। फिर शेप पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इस्तेमाल हों ये ज़रूरी नहीं है। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो हर कोई बंदा सारे चीज़ों के मैशअप में इंटरेस्टेड नहीं है कि मैश बना हुआ हो हर चीज़ का। एक एग्ज़ाम्पल इसकी मैंने पढ़ी थी कि जो प्लेडो होता है बच्चों का, अगर आप सारे कलर्स को मिला दो ना, मतलब हर चीज़ को, सारे कलर्स को आपने मिक्सअप कर दिया, तो एंड में एक ब्राउन सा क्ले बन जाता है, एक ब्राउन सा लंप बन जाता है, तो क्या वो क्रिएटिव हो गया कुछ? उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप उसको एक डिफरेंट शेप दोगे, हो सकता है सिर्फ 2 कलर यूज़ करके दो, हो सकता है 1 ही कलर यूज़ करके दो, लेकिन आपने जो शेप दी उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और अगर डीप में जाएं क्रिएटिविटी की, तो आपको क्रिएटिव चीज़ कुछ ऐसी होती है जो रूल्स को ब्रेक करती है। रूल्स ब्रेक होते हैं क्रिएटिविटी में, लेकिन और मतलब आप चीट करते हो एक तरह से, क्योंकि रूल्स को ब्रेक करते हो। तो चीट आपको करना है, लेकिन अब इतना भी चीट नहीं कर देना कि कुछ का कुछ ही बना लो आप। मतलब कुछ ऐसी चीज़ आपने क्रिएट की जो ट्रेंड है या जो कन्वेंशन है उससे थोड़ा हट के, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने कुछ और ही क्रिएट कर दिया। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल कोई कार डिज़ाइनर है, वो कहता है मैं कार डिज़ाइन करूँगा, ऐसी कार डिज़ाइन करूँगा जो उल्टी चलेगी। अब उल्टा करके गाड़ी को चला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको ये देखना है बेसिकली क्रिएटिव प्रोसेस क्या कहेंगे कार डिज़ाइनिंग का। कोई ऐसा फीचर जो कभी किसी ने यूज़ ना किया हो, ऐसा फीचर जो कभी किसी ने उसको इस्तेमाल ना किया हो गाड़ी में, उस पर आप खेलोगे तो कुछ क्रिएटिव होगा। अगर क्रिएटिविटी को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो क्रिएटिविटी जो है ना वो सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो अपने आर्ट के थ्रू। अब चाहे वो आप इमोशंस के थ्रू करो, चाहे आप बायसेस के थ्रू करो, मतलब वो सब चीज़ें आपके आर्ट में आनी आनी है। जो क्रिएटिव आर्ट, जो भी आप क्रिएटिव क्रिएट कर रहे हो उसमें वो चीज़ें होंगी। तो ये आई थिंक थोड़ा क्रिएटिविटी को और एक्सप्लेन करता है। अब ये भी एक्चुअली समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रिएटिविटी आपको हर जगह अप्लाई नहीं करनी, कई जगह चीज़ों को नॉर्मल और सिंपल भी रखना है। ऐसा नहीं है कि अब हर चीज़ में मैं क्रिएटिव होने लग जाऊँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी की ज़रूरत कहाँ है? डिज़ाइनिंग ऑफ कार में, कुछ ऐसा फीचर जो आज तक कभी किसी ने नहीं लगाया, तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो कस्टमर के लिए, तो वो चीज़ आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल होगी। कई बार क्रिएटिविटी में ऐसा भी होता है कि आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ प्रिपरेशंस की, लेकिन सडनली आप करते हुए करते कुछ और करने लग जाते हो, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि वो भी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। आप कुछ और कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ स्क्रिप्ट करके प्लान करके करो, डिफरेंट भी हो सकता है। कुछ प्रोसेस में कुछ ऐसा हो गया जो आपने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वही तो क्रिएटिविटी है। वो आई थिंक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है। और एक और चीज़ कि जब भी आप बात करते हो कि आपको क्रिएटिविटी को आपको अपने अंदर ज़िंदा रखना है, तो उसमें काम करते रहना होगा, डेली करना होगा। अगर आपने ना किया तो वो चीज़ डाई आउट हो जाएगी, वो फायर ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्रिएटिव फायर को जलते रहना पड़ेगा आपके अंदर। और वो कब होगा? जब आप काम करते रहोगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो, तो आई थिंक वो चीज़ आप में रहेगी। और वैसे भी आजकल डिजिटल एज है, क्रिएटिविटी करना आज की एज में क्या मुश्किल है? किसी भी आर्ट फॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक आजकल के टाइम में तो मुश्किल नहीं है, बल्कि आजकल के टाइम में क्रिएटिविटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे इन्हेंस हो जाता है क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। एक और बात कि क्रिएटिविटी में
हमेशा कमी रहेगी किसी न किसी चीज़ की। जैसे कोट भी है कि आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, इट इज ओनली अबैंडन्ड। तो आपको अबैंडन तो करना पड़ेगा किसी न किसी लेवल पे। अब चाहे आप उसको, और कई बार ये होता है कि आप मास्टरपीस क्रिएट कर लेते हो। पास में ऐसा हुआ भी है कुछ आर्टिस्ट के साथ कि उन्होंने मास्टरपीस क्रिएट किया और उन्होंने अपने हाथ से उसको पूरे को ख़राब कर दिया ओवरथिंकिंग के चक्कर में कि इसको और इम्प्रूव कर लूँ और इम्प्रूव कर लूँ। कई जगह पे आपको रुकना भी है और आपको फिर जो है रुक जाना है वहाँ पर। आई थिंक ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।